श्रोते हो नमस्कार. आजच्या मन की बात वर आधारित वृत्त विशेष या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमामधून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. 2022 वर्षातील हा अखेरचा संवाद होता. यामध्ये देशानं अर्थव्यवस्थेबरोबरच विविध क्षेत्रात साधलेली प्रगती, क्रीडा क्षेत्रात केलेले विक्रम, वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधन, अंतराळ, ड्रोन, संरक्षण या क्षेत्रामध्ये स्वदेशी तंत्रज्ञानामुळे होत असलेलं कौतुक प्रधानमंत्र्यांनी जनतेसमोर मांडलं. श्रोते हो, भारतानं इतर गोष्टींबरोबरच जय संशोधन असा नारा देऊन अनेक क्षेत्रात संशोधन कार्य सुरू केलं आहे. कोणत्याही संशोधनाला विज्ञानाचं अधिष्ठान हवंच याकडेही अतिशय गांभीर्यानं लक्ष दिलं जात आहे. आयुर्वेद, योग या पारंपरिक क्षेत्रामध्ये होत असलेल्या संशोधनाला आता पाश्चात्य देशांकडूनही मान्यता मिळत आहे. याचं उदाहरण म्हणून स्तनाच्या कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारामध्येही योगाभ्यास अतिशय लाभदायक ठरत आहे. या संशोधनाला मिळत असलेल्या वैज्ञानिक आधाराचाही त्यांनी उल्लेख केला. याविषयी प्रधानमंत्री काय म्हणाले ते आपण त्यांच्याच शब्दात ऐकूया. मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है सत्यम किम प्रमाण त्यक्षम किम प्रमाणम, यानी सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो, जो प्रत्यक्ष है उसे भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो. लेकिन बात जब आधुनिक मेडिकल साइंस की हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रमाण, एविडेंस. सदियों से भारतीय जीवन का हिस्सा रहे योग और आयुर्वेद जैसे हमारे शास्त्रों के सामने एविडेंस बेस्ड रिसर्च की कमी हमेशा हमेशा एक चुनौती रही. परिणाम दिखते हैं लेकिन प्रमाण नहीं होते. लेकिन मुझे खुशी है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के युग में अब योग और आयुर्वेद आधुनिक युग की जांच और कसौटियों पर भी खड़े उतर रहे हैं. आप सभी ने मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में जरूर सुना होगा. इस संस्थान ने रिसर्च, इनोवेशन और कैंसर केयर में बहुत नाम कमाया है. इस सेंटर द्वारा की गई एक इंटेंसिव रिसर्च में सामने आया है कि ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए योग बहुत ज्यादा असरकारी है. टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी रिसर्च के नतीजों को अमेरिका में हुई बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रेस्ट कैंसर कॉन्फ्रेंस पर प्रस्तुत किया है. इन नतीजों ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर ने एविडेंस के साथ बताया है कि कैसे मरीजों को योग से लाभ हुआ. इस सेंटर की रिसर्च के मुताबिक योग के नियमित अभ्यास से ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की बीमारी के फिर से उभरने और मृत्यु के खतरे में 15% तक की कमी आई है. भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में यह पहला उदाहरण है जिसे रिसर्च की कमी हमेशा हमेशा एक चुनौती रही. परिणाम दिखते हैं लेकिन प्रमाण नहीं होते हैं. लेकिन मुझे खुशी है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के युग में अब योग और आयुर्वेद आधुनिक युग की जांच और कसौटियों पर भी खड़े उतर रहे. आप सभी ने मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में जरूर सुना हो. इस संस्थान ने रिसर्च, इनोवेशन और कैंसर केयर में बहुत नाम कमाया है. इस सेंटर द्वारा की गई एक इंटेंसिव रिसर्च में सामने आया है कि ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए योग बहुत ज्यादा असरकारी है. टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी रिसर्च के नतीजों को अमेरिका में हुई बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रेस्ट कैंसर कॉन्फ्रेंस पर प्रस्तुत किया है. इन नतीजों ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर ने एविडेंस के साथ बताया है कि कैसे मरीजों को योग से लाभ हुआ है. इस सेंटर की रिसर्च के मुताबिक योग के नियमित अभ्यास से ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की बीमारी के फिर से उभरने और मृत्यु के खतरे में 15% तक की कमी आई है. भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में यह पहला उदाहरण है जिसे पश्चिमी तौर तरीकों वाले
कड़े मानकों पर परखा गया है। साथ ही यह पहली स्टडी है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित महिलाओं में योग से क्वालिटी ऑफ लाइफ के बेहतर होने का पता चला है। इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी सामने आए हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी स्टडी के नतीजों को पेरिस में हुए यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी में उस सम्मेलन में प्रस्तुत किया है। साथियों, आज के युग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जितनी ज्यादा एविडेंस बेस्ड होगी उतनी ही पूरे विश्व में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। इसी सोच के साथ दिल्ली के एम्स में भी एक प्रयास किया जा रहा है। यह हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैलिडेट करने के लिए 6 साल पहले सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च की स्थापना की गई। इसमें लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स और रिसर्च मेथड्स का उपयोग किया जाता है। यह सेंटर पहले ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में 20 पेपर प्रकाशित कर चुका है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक पेपर में सिंकपी से पीड़ित मरीजों को योग से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार न्यूरोलॉजी जर्नल के पेपर में माइग्रेन में योग के फायदों के बारे में बताया गया है। इनके अलावा कई और बीमारियों में भी योग के बेनिफिट्स को लेकर स्टडी की जा रही है, जैसे हार्ट डिसीज, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स और प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्याएं। साथियों, कुछ दिन पहले ही मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के लिए गोवा में था। इसमें 40 से ज्यादा देशों के डेलीगेट शामिल हुए और यहाँ 550 से अधिक साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट किए गए। भारत सहित दुनिया भर की करीब 215 कंपनियों ने यहाँ एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया। 4 दिनों तक चले इस एक्सपो में 1 लाख से भी अधिक लोगों ने आयुर्वेद से जुड़े अपने एक्सपीरियंस को एंजॉय किया। आयुर्वेद कांग्रेस में भी मैंने दुनिया भर से जुटे आयुर्वेद एक्सपर्ट्स के सामने एविडेंस बेस्ड रिसर्च का आग्रह दोहराया। जिस तरह कोरोना वैश्विक महामारी के समय में योग और आयुर्वेद की शक्ति को हम सभी देख रहे हैं, उसमें इनसे जुड़ी एविडेंस बेस्ड रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। मेरा आपसे भी आग्रह है कि योग, आयुर्वेद और हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े हुए ऐसे प्रयासों के बारे में अगर आपके पास कुछ जानकारी हो तो उन्हें सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते कुछ वर्ष श्रोते हो, मुंबईच्या टाटा कर्करोग उपचार रुग्णालयात झालेल्या योगविषयक संशोधनाबाबत अधिक माहिती देत आहेत टाटा रुग्णालयातील ज्येष्ठ डॉक्टर राजेंद्र बडवे। आज मन की बात ह्या कार्यक्रमामध्ये माननीय प्रधानमंत्रींनी योगा आणि स्तनाचा कर्करोग ह्याबद्दलच्या एका अभ्यास प्रणालीचा उल्लेख केला। ही अभ्यास प्रणाली टाटा हॉस्पिटलने सॅन अँटोनिओ ब्रेस्ट कॅन्सर सिम्पोजियम जे अमेरिकेमध्ये होतं त्यामध्ये ह्याचे परिणाम पब्लिश केले आणि हे परिणाम त्या मीटिंगमध्ये स्पॉटलाईट डिस्कशनमध्ये याचा समावेश झाला होता। योगाचा अभ्यास करून ज्या स्त्रियांना कर्करोग झालेला आहे त्यामध्ये क्वालिटी ऑफ लाईफचं इम्प्रूव्हमेंट दिसून आलेलं आहे आणि क्वालिटी ऑफ लाईफ इम्प्रूव्ह झाल्यामुळे ट्रीटमेंट कॉम्प्लायन्स हा सगळ्यात उत्तम झाला आणि त्यामधल्या इम्प्रूव्हमेंटमुळे जवळजवळ न्यूमरिकली 15% मृत्यू कमी झाले। हा जगातील सगळ्यात पहिला असा अभ्यासक्रम ठरेल ज्यामध्ये 800 अधिक स्त्रियांनी भाग घेतला आणि संपूर्णत वेस्टर्न डिझाईन क्लिनिकल ट्रायलचं वापरून एक भारतीय योगक्रम कसा टेस्ट करता येईल याचं हे एक उदाहरण राहील। श्रोते हो,
अनेक युगांपूर्वी मानवी वसाहती नदीच्या काठावर वसल्या. याचं कारण म्हणजे जल हे जीवन आणि जगण्यासाठी पाणी हवं. तर मग नदी किनारी वस्ती करणं कधीही सोयीचंच असा विचार आपल्या पूर्वजांनी केला. त्यामुळेच नदी मग ती कोणतीही असो आपल्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे आणि गंगा तर सर्वांना पूजनीय आहे. केंद्र सरकारनं सुरू केलेल्या नमामी गंगे उपक्रमाची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली जात आहे याची माहिती प्रधानमंत्र्यांनी दिली. श्रोते हो, खादी, भारतीय खेळणी, स्वदेशी वस्तू यांना जगभरातून उत्साहजनक प्रतिसाद मिळतो याची दखल प्रधानमंत्र्यांनी घेतली. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातल्या पालघर जिल्ह्यातल्या आदिवासींकडून बांबूपासून बनवल्या जाणाऱ्या वस्तू कलाकृती यांच्याविषयी माहिती दिली. याविषयी प्रधानमंत्री मोदी काय म्हणाले ते आपण ऐकूया. ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है. साथियों, नमामि गंगे अभियान की सबसे बड़ी ऊर्जा लोगों की निरंतर सहभागिता है. नमामि गंगे अभियान में गंगा प्रहरियों और गंगा दूतों की भी बड़ी भूमिका है. वे पैड लगाने, घाटों की सफाई, गंगा आरती, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग और कविताओं के जरिए जागरूकता फैलाने में जुटे हैं. इस अभियान से बायोडायवर्सिटी में भी काफी सुधार देखा जा रहा है. हिल्सा मछली, गंगा डॉल्फिन और कछुओं की विभिन्न प्रजातियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है. गंगा का इकोसिस्टम क्लीन होने से आजीविका के अन्य अवसर भी बढ़ रहे हैं. यहां मैं जलज आजीविका मॉडल की चर्चा करना चाहूंगा जो कि बायोडायवर्सिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस टूरिज्म बेस्ड बोट सफारीज को 26 लोकेशंस पर लॉन्च किया गया है. जाहिर है, नमामि गंगे मिशन का विस्तार, उसका दायरा नदी की सफाई से कहीं ज्यादा बढ़ा है. ये जहां हमारी इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, वहीं ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विश्व को भी एक नया रास्ता दिखाने वाला है. श्रोते हो, 2014 स्वच्छ भारत मोहीम जन आंदोलनाच्या रूपात सुरू झाली. त्यामुळे समाजातच नाही तर सरकारी कार्यालयामध्ये जागा मोकळी करण्यात आली. विविध शहरांमधली माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत येणाऱ्या कार्यालयामध्येही रिकाम्या झालेल्या जागेचा योग्य वापर करून अन्यत्र भाडेपट्टीवर असलेल्या सरकारी कार्यालयांना सरकारी जागेत आणलं जात आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालय एकाच ठिकाणी कार्यरत होत आहेत. आपल्या संसाधनांचा संपूर्ण सुयोग्य वापर याद्वारे होत आहे असं प्रधानमंत्री यावेळी म्हणाले. श्रोते हो, 2022 भारतानं 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून नाव कमावलं. आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत हाच मंत्र भारतीयांनी प्रत्यक्ष साकारला. G20 समूहाचं मिळालेलं अध्यक्षपद यानंतर भारताची मान उंचावली अशा शब्दात भारताच्या प्रगतीचा आलेख प्रधानमंत्र्यांनी मांडला. सर्व श्रोत्यांना नववर्षाच्या शुभेच्छा देतानाच कोरोनाविषयी येत असलेल्या बातम्यांमुळे सर्वांनी दक्षता बाळगावी असं आवाहनही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलं. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कुवळेकर, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर, निर्मिती सहाय्य राजेश शेजवळे आणि निवेदन राजेश शिरभाते.